हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो वन दरोगा की भर्ती आज आई है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया UP SSC ने। तो उसके लिए आपकी योग्यता क्या मांगी हुई है, एज क्या मांगी हुई है, कौन से सब्जेक्ट से आपका जो ग्रेजुएशन मांगा हुआ है किन सब्जेक्ट से होना चाहिए, एज किस डेट से आपके ली जाएगी, फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या होगी, पेट का आपका कितना कट ऑफ जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और जो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े हैं इस चैनल पे सरकारी भर्तियों की जानकारी की और कट ऑफ की जानकारी के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या योग्यता मांगी गई है। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन इसका खोल लेते हैं। जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं है, नोटिफिकेशन वो डाउनलोड कर लेंगे UP SSC की वेबसाइट से। तो इसके जो ऑनलाइन आवेदन के प्रारंभ होने की तिथि बताई गई, 17/10 से इसका जो आवेदन है वो प्रारंभ हो जाएगा और अंतिम तिथि जो है वो 6/11 हो जाएगी, ठीक है। इसमें यह भी बताया गया है कि अभी जो ₹25 का शुल्क लिया जा रहा है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा के लिए जो बच्चे बुलाए जाएंगे उनसे मुख्य परीक्षा का शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ और देख लें कि वही बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दे रखा है, ठीक है। जो पेट का एग्ज़ाम दे रखा है उसके हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके बाद फिर बच्चे बुलाए जाएंगे। तो बच्चे कितने बुलाए जाएंगे, जितनी वैकेंसी है 701, तो बच्चे बुलाए जाएंगे इसके 15 गुना, ऐसा नोटिफिकेशन में पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। 15 गुना बच्चे ये लोग बुलाना चाहते हैं। हो सकता है किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, बहुत से लोगों के सिमिलर नंबर होने की वजह से ज़्यादा बच्चे भी ये बुला सकते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने यही बताया है कि 15 गुना बच्चे बुलाना चाह रहे हैं, जिस हिसाब से कितने हो गए, अगर 7 का गुणा करें 15 से 105, तो आपके जो बच्चे हो गए वो 10,000 से ऊपर हो गए। तो इसके आधार पे मैं वीडियो क्लास में आपको बताऊंगा कि पेट की कट ऑफ आपकी क्या हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद देख लेते हैं आवेदन करने की आपकी जो प्रक्रिया है, आप वेबसाइट पे जाके उस प्रक्रिया के आधार पे आवेदन कर सकते हैं। उससे ज़रूरी बातें जो जुड़ी हुई हैं वो यहाँ पे लिखी हैं। फॉर्म भरते समय आप यहाँ बिल्कुल आके पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन पे कि अगला स्टेप क्या होगा, कैसे कैसे अप्लाई करना है। और जो लोग कैफ़े में जाके किसी शॉप पे जाके अप्लाई कर सकते करते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे उनको पहले से पता होता है कि क्या प्रक्रिया है, ठीक है। आपका व्यक्तिगत विवरण, आपका OTP, आप जो भी कैटेगरी के हैं कैटेगरी भरेंगे, तो उसके लिए अगर EWS कोई भरता है तो क्या प्रावधान है, ठीक है। तो विज्ञापन प्रस्तर 13.24 में लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि EWS वालों के लिए क्या लिखा है। ज़्यादातर लोगों को पता है कि 8 लाख की इनकम होती है, उसके अलावा जो भी सत्य हैं सारी इस नोटिफिकेशन में EWS श्रेणी के लिए नीचे लिखी गई हैं, ठीक है। आप यहां से अप्लाई कैसे करेंगे उसकी पूरी प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन डाउनलोड करके प्रक्रिया देख लें। आपको फोटो, हस्ताक्षर और जो भी अन्य विवरण है ये सब फॉर्म में भरा जाता है, आप लोग रेगुलर इसको भरने के आदि हैं। जो ज़रूरी बातें हैं बस वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ज़रूरी चीज़ें इस फॉर्म से जुड़ी हुई हैं जो आपका जानना ज़रूरी है, ठीक है। फीस सबको पता है, ₹25 शुल्क इसका लगा रखा है। इसके बाद का जो शुल्क होगा बाद में जो लोग मेंस के लिए बुलाए जाएंगे उनसे मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरने का शुल्क लिया जाएगा, ठीक है। अब पदों का विवरण एक बार आप देख लें, तो पदों का विवरण इस प्रकार है। ऊपर दिया गया है आपकी कैटेगरी क्या है और नीचे आपके पद हैं। तो अनारक्षित की बात करें तो अनारक्षित 288 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 160, अनुसूचित जनजाति के लिए 20, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 163, EWS के लिए 70, कुल 701 पद हैं। यहाँ पे बैंड और वेतनमान देख लें लिखा हुआ है, तो ये 5200 से 20,200 आपका वेतनमान लिखा गया है बैंड एक, ठीक है। और ग्रेड पे कितना है, ₹2800, जो कि मैट्रिक लेवल अगर नए सिस्टम के हिसाब से देखें तो मैट्रिक लेवल 5 का आपका ग्रेड पे है ₹2800, ठीक है। ये जानकारी होगी इसके वेतन की और पदों की संख्या की। अब इसके बाद देख लीजिए, इसमें यही सब लिखा है कि फॉर्म को कैसे भरना है और आपकी अर्हता जो इसमें दी गई है वही अर्हता होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को आप पहले से जानते हैं। क्षैतिज आरक्षण की अगर बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महिला और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए क्षैतिज आरक्षण होता है। लेकिन जो दिव्यांग हैं वो किसी भी डिफेंस सर्विसेज में जा नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर दिव्यांगों के लिए कोई पद नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर आप मेडिकली फिट नहीं हैं तो आपको दरोगा नहीं बनाया जा सकता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, खास ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करें अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पे आश्रित हैं, उनके 14 पद हैं, महिला के 140 पद हैं। अब ये क्योंकि क्षैतिज आरक्षण है इसलिए जो टोटल महिलाएँ सेलेक्ट होंगी वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी।
भूतपूर्व सैनिक के 35 पद हैं और खिलाड़ियों के लिए 14 पद हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे की चीज़ देखेंगे तो आगे आपके लिए जरूरी चीज़ है वो आपकी अर्हता है और रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है, पहले से इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब अर्हता देख लें क्या मांगी गई है। तो सीधी भर्ती के लिए आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि या सांख्यिकी या पर्यावरण विज्ञान में से दो या दो से अधिक विषय के साथ स्नातक आपका मांगा गया है, ठीक है। या फिर अभियांत्रिकी में स्नातक यानी इंजीनियरिंग कर रखा हो या पशु चिकित्सा विज्ञान में आपने स्नातक कर रखा हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसी विषय वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अधिमान्य अर्हता में बताया गया है, ठीक है, कि प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा की हो या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो। ये अधिमान है, ये नेसेसरी नहीं है। नेसेसरी आपकी अनिवार्य अर्हता ये है, जिनके पास ये है उन्हें प्रेफरेंस मिल जाएगी बराबरी होने की स्थिति में, ठीक है। अब आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा बताई गई है 21 वर्ष से 40 वर्ष, ठीक है, जो जुलाई से ली जाएगी। जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु आपकी ना हो 1 जुलाई 2022 को, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जिन श्रेणियों को आरक्षण दिया जाता है वो आरक्षण का प्रावधान इसमें भी है। नीचे आप आरक्षण को पढ़ सकते हैं किसको कितना आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। अब चयन का आधार क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए आपकी नियमावली 2015 से अगर देखें तो इंटरव्यू बंद कर दिया गया है, इसलिए एक लिखित परीक्षा होगी और उस लिखित परीक्षा के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर शारीरिक मानक की बात करें कि क्या क्या होना चाहिए शारीरिक मानक, तो इसमें देख लीजिए कि पुरुष की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर, सीना 84 और सीने का जो फैलाव है वो 5 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। महिला के लिए हाइट 150, सीना 79 और इसका फैलाव 5 सेंटीमीटर मांगा गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं आपको फिजिकली क्या क्या आपको करना होगा, ठीक है। तो फिजिकली देख लीजिए, जो पुरुष हैं उनको 4 घंटे, सॉरी, जो पुरुष हैं उनको 4 घंटे में 25 किलोमीटर की और महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की पैदल चाल परीक्षण पास करना होगा, ठीक है। अब शारीरिक स्वास्थ्य की बात की गई है तो शारीरिक स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए, यानी मेडिकल टेस्ट आपका होगा, मेडिकल आपका सही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं कि परीक्षा योजना आपका जो पाठ्यक्रम है वो क्या होगा। तो आयोग द्वारा उक्त पदों का चयन हेतु परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट इस पर यथा समय पृथक से प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। और लिखित परीक्षा के संबंध में एक विशेष नोट दिया गया है, प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक और आयोग के लिए विज्ञापन सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा है, शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण की लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों या दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों में दिनों में आयोजित की जाती है तो परीक्षा का स्कोर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर एक से अधिक शिफ्ट में पेपर होगा। वन दरोगा की लिखित परीक्षा है तो विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुण अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ या परसेंटाइल स्कोर 0.02 स्थान तक आधारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए मुख्य परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। मैंने पहले ही बता दिया कि आपके जो है 15 गुना अभ्यर्थी बुलाने की प्लानिंग है, ठीक है। आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश वो हैं जो आपको पहले से पता है, आवेदन पत्र अपनी श्रेणी अवश्य लिखनी चाहिए अगर आवेदन कर रहे हैं किस श्रेणी में आते हैं। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी वो दी जाएगी, ठीक है। आप दो तरीके का आरक्षण नहीं ले पाएंगे। अभ्यर्थियों जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे, अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे, ठीक है। जो बाहर के लोग हैं उनको अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। बाकी आपको सारे रूल पता है किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा, ये जरूरी बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और जिन लोगों का EWS है उन्हें एक बार फिर से मैं दिखा देना चाहता हूँ कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अंतर्गत दावा करने वाले अभ्यर्थी हैं जिनके परिवार के समस्त स्रोतों की आय एक वर्ष में 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है, और ऐसे लोगों को 10% आरक्षण
राज्य सरकार दे रही है। ठीक है, आपका एक प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जो वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मान्य EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी थी मैंने आपके लिए बता दी हैं। जो भी आपको लग रहा हो कि कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है तो वीडियो में कमेंट करके आप बिल्कुल अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। जो लोग नए हैं चैनल से जुड़े रहे हैं, इस भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारी मुझे आगे मिलेगी, इसका पेपर कैसा होगा, कट ऑफ कैसी होगी, सब बताऊँगा। इससे पहले आप देख लीजिए आपकी पेट की कट ऑफ इस पेपर के लिए कितने लग सकती है। तो जो लोग पेट में बैठे हों, ज़्यादातर बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने कला विषय से स्नातक कर रखा होगा, जितने भी BA करने वाले बच्चे हैं वो सब इससे बाहर हो गए हैं, और उसके अलावा जितने भी इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनमें से कम लोगों ने पेट दिया है। इस वजह से कट ऑफ लिमिट में आ जाएगी, और आपकी जो कट ऑफ आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 65 के आसपास। जो आपकी कट ऑफ है वो 65 के आसपास लगेगी जाके, क्योंकि वही बच्चे इसमें बैठ रहे हैं जिन्होंने उन विशेष विषयों में स्नातक कर रखा जो मांगे गए हैं, विज्ञान के या सांख्यिकी के या इंजीनियरिंग के या फिर आपके कृषि से संबंधित जो भी विषय हैं, कृषि पशु चिकित्सा से, वो लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और ऐसे लोगों की संख्या पेट में बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए इसका जो कट ऑफ है वो 65 के आसपास का रहेगा। तो जो भी भाई 65 से 70 के आसपास हैं वो बिल्कुल इसका फॉर्म भरेंगे, बिल्कुल उनका नंबर आ सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है, आपको कट ऑफ सही नहीं लगती है, आपको इसमें ही कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिएगा। इसके बाद के वीडियो में विस्तृत चर्चा होगी कि आपका सिलेबस क्या होगा, सिलेबस अभी आया नहीं है, आपकी पेट की कट ऑफ में जो भी सुधार हो सकता है, जितने बच्चे आवेदन करेंगे उसके बाद मैं बता पाऊँगा कि आपकी पेट की कट ऑफ क्या लग सकती है, और इसका जो मेन जो पेपर होगा, पेपर के बाद की कट ऑफ क्या पॉसिबल हो सकती है, उसके आधार पर भी बताया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।